नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा राजनीति के गलियारों में इन दिनों विवाद का नया मुद्दा बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमले कर रही है और विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को बॉयकॉट किया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार कर पीएम मोदी खुद संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, जो किसी तरह से उचित नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा को संसद से खत्म कर दिया गया है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने, मुख्य विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार का फैसला किया है। विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया। 15 अगस्त 1987 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नई संसद के उद्घाटन विवाद पर बड़ा बयान दिया है। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और संयुक्त विपक्ष का बयान आ चुका है कि पूरा विपक्ष बाइकाट करने वाला है उद्घाटन कार्यक्रम का संसद का, ऐसा क्यों है सर? संविधान की हत्या हो रही हो, सदन की मर्यादा खत्म की जा रही हो, भारत के राष्ट्रपति का अपमान सिर्फ इसलिए हो रहा कि वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो हम कैसे बैठे देख सकते हैं। इसमें एक चीज और देखिए, इन्विटेशन कार्ड पढ़िए, उसमें राज्यसभा के सभापति को बुलाने तक का निर्णय नहीं लिया गया है, कोई उनका जिक्र ही नहीं। तो आप दलित, महिला, अनुसूचित जात, आदिवासी और किसानों के मसीहा जो बनते थे, पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, तो उनको आप बुलाओगे ही नहीं। तो ये सदन का अपमान है, राज्यसभा का अपमान है और प्रजातंत्र, लोकतंत्र का अपमान है, भारत के संविधान के प्रतिकूल हो रहा है, इसलिए हमने निर्णय लिया है बहिष्कार। और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी 60,000 श्रम योगियों का भी सम्मान करेंगे, जिन्होंने संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद में सेंगोल राजदंड को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल जो है, असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पीएम मोदी सेंगोल स्वीकार करेंगे। शाह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को इस सेंगोल को अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि ये अब तक हमारे सामने क्यों नहीं आया। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको दिखाते हैं। इशरत जहां एनकाउंटर केस में शामिल आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। इशरत जहां मुठभेड़ की जांच से जुड़े आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्तगी के केंद्र के आदेश को बरकरार रखा है। सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने ये फैसला लिया है। दरअसल सेवा शर्तों की अवहेलना के आरोप में सतीश चंद्र वर्मा को भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया था और इस बर्खास्तगी पर सतीश चंद्र वर्मा का कहना था कि 2004 में गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। सतीश चंद्र वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र के बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। और राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले को लेकर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी को कल तक दावा दाखिल करने को कहा है। दरअसल मानहानि केस में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और अब उन्हें नया पासपोर्ट बनवाना है, जिसके लिए राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC चाहिए और इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस अभी भी पेंडिंग ही है और बिना कोर्ट की इजाजत के राहुल गांधी का नया पासपोर्ट नहीं बन सकता है। और राहुल की याचिका पर कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 26 मई को सुनवाई होगी। न्यायाधीश ने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं लिखित में दूं और फिर 26 को बहस करूं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों पर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मंदिरों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। खालिस्तान समर्थकों का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों और भारतीयों पर हमले हुए थे, जिसे लेकर पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। 5 मई को भी सिडनी में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने खूब हंगामा किया और मंदिर की दीवार पर खालिस्तानी झंडा भी लगाया गया था। ओपेरा हाउस के किनारे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीजी को भारत आकर वर्ल्ड कप देखने का न्योता भी दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर भी दोनों ने चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले दशक की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही माइनिंग में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को वर्ल्ड कप देखने आने के लिए भी आमंत्रित किया। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। इससे पहले पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सिविल सर्विसेज के नतीजों में टॉप 10 रैंकिंग हासिल करने वालों में 6 लड़कियां हैं। UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। पहले से 4 स्थानों पर बेटियों ने कब्जा जमाया, वहीं टॉप 10 में 6 लड़कियां शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा की इशिता किशोर ने इस परीक्षा में टॉप किया है। अपने पे काम करते रहिए कि वो 3 चीजें क्या हैं जिसपे मुझे काम करना है या वो 5 चीजें क्या हैं जो मुझे करनी है। दूसरी रैंकिंग बिहार की गरिमा लोहिया ने हासिल की, जिन्होंने घर पर रहकर तैयारी की। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। तो वहीं कोचिंग संचालकों ने भी छात्रों को बधाई देते हुए सफलता का मंत्र दिया। इस सक्सेस ने आपको लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिया है पब्लिक सर्विस करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले नौजवानों को बधाई, आगे एक फलदायी और संतोषजनक करियर के लिए मेरी शुभकामनाएं। श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी पर्यटन को लेकर चर्चा हुई। श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच दूसरे दिन भी आम कश्मीरियों से लेकर बैठक में हिस्सा लेने वाले मेहमान उत्साहित दिखे।
टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान G20 डेलीगेट्स ने क्राफ्ट मार्केट से खरीदारी की और शिकारा का लुत्फ लिया। जम्मू कश्मीर में हो रही G20 देशों की बैठक में चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल नहीं हुए, लेकिन कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। श्रीनगर में शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में विदेशी प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष फूड स्टॉल भी लगाया गया था। 22 मई से आयोजित हो रही G20 शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देना है। श्रीनगर में होने वाली इस बैठक की खास चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2019 के बाद यहां पहली बार कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। आज G20 डेलीगेट्स ने मुगल गार्डन, गोल्फ कोर्स और डल लेक का दौरा किया। अब से बस थोड़ी देर में डेलीगेट्स मेयर के साथ लंच करेंगे, जिसके बाद वो पोलो व्यू मार्केट समेत दूसरी जगहों पर जाएंगे। G20 थर्ड वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज श्रीनगर में आखिरी दिन है। 3 दिन की ये मीटिंग थी, जिसमें दो दिन जो मंथन हुआ वो टूरिज्म को लेकर हुआ और आज आखिरी दिन कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है, लेकिन आज जो डेलीगेट्स हैं और जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनको कश्मीर की, खासकर श्रीनगर की विभिन्न जगहों पर लिया गया, जिसमें निशात गार्डन्स हैं और साथ ही साथ जो डल लेक है और गोल्फ कोर्स है जहाँ उन्होंने गोल्फ खेला। हालांकि मौसम की ख़राबी की वजह से ज़्यादा एक्सप्लोर वो नहीं कर सके, लेकिन कुछ समय के बाद वो इस पोलोव्यू मार्केट में भी उनको लाया जाएगा और यहाँ पर भी वो इस न्यूली रिनोवेटेड मार्केट को देखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो एक्सरे वैन्स लगा दी गई है, जिसमें से अगर कोई भी इस मार्केट में आता है तो उसके सारी बिलोंगिंग्स को एक्सरे किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक डांगदुरू पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को ले जा रहा एक क्रूज वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद से बचाव अभियान जारी है। किश्तवाड़ के SSP खलील पोसवाल ने बताया कि जब हादसा हुआ तब क्रूज वाहन में 10 लोग सवार थे। ये डांगदुरू प्रोजेक्ट जो JP का, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे जो शिफ्ट वर्कर्स की मॉर्निंग, उसमें एक गाड़ी क्रूजर का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोग जो अभी कन्फर्म डेथ हुई है और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है, 1 माइनर बोटी और टोटल 10 थे। वहीं हादसे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि घायलों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती कराया जा रहा है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और दिल्ली की प्रगति मैदान टनल में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे की तस्वीरें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि युवक को अस्पताल ले जाने में देरी हुई। जरा देखिए ये पूरी खबर। दिल्ली में प्रगति मैदान टनल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई और ये पूरा हादसा टनल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कैसे बैलेंस बिगड़ने के कारण बाइक सवार गिर गया और उसका हेलमेट पूरी तरह क्रैश हो गया, जिसके बाद उसके सिर से खून बहने लगा। हादसे के बाद टनल में मौजूद लोगों ने PCR को कॉल करने की काफी कोशिश की, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं मिल पाई और पुलिस तक जानकारी पहुंचने में देरी हुई और इसी वजह से बाइक सवार युवक को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। जब युवक को कुछ देर बाद लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार युवक का नाम राजन राय था और उम्र करीब 19 साल थी। युवक मेरठ से दिल्ली के उत्तम नगर जा रहा था, जहां प्रगति मैदान टनल में हादसे के कारण उसकी जान चली गई। तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस डिंपल हयाती इन दिनों गलत वजह से सुर्खियों में हैं। उन पर ट्रैफिक DCP की सरकारी गाड़ी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ये CCTV वीडियो हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स के एक अपार्टमेंट का है। 14 मई की रात की इस वीडियो में एक महिला ट्रैफिक कोन को जानबूझकर पैर से जोर से मारती दिख रही है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस डिंपल हयाती है।
और जिस कार के पास ट्रैफिक कोन को लात मारी गई, वो कार हैदराबाद पुलिस के ट्रैफिक डीसीपी राहुल हेगड़े की सरकारी गाड़ी है। अब इस मामले में ट्रैफिक डीसीपी के ड्राइवर की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में ये कहा गया है कि अपार्टमेंट के बेसमेंट में निर्धारित पार्किंग में खड़ी कार को नुकसान पहुंचाया गया है। सोमवार को एक्ट्रेस डिंपल हयाती को थाने बुलाया गया और दोनों को सीआरपीसी धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया। एक्ट्रेस डिंपल हयाती ने इस मामले में सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए जमकर भड़ास निकाली है। डिंपल हयाती ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पावर के इस्तेमाल से कोई गलती नहीं रुक सकती। फिर उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है, पावर का गलत इस्तेमाल गलतियां नहीं छिपाता है। डिंपल हयाती का ये कहना है कि अब तक इस मामले में उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। आईपीएल के फाइनल में 10वीं बार धोनी की सीएसके ने अपनी जगह बना ली है। कल चेन्नई में हुए रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर फाइनल में एंट्री ली। आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गुजरात के सामने जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य था, लेकिन चेन्नई के स्पिन गेंदबाजी के सामने गुजरात की एक न चली और टीम 20 ओवर में केवल 157 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ने सर्वाधिक 42 रन की पारी खेली। ये 10वां मौका है जब चेन्नई ने आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है। चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। मैच में दीपक चाहर, रविंद्र जडेजा, महेश तीक्ष्णा और मथीसा पाथिराना ने दो दो विकेट लिए। तो वहीं आज चेन्नई के एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। आज का मैच हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस के साथ दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेलेगी। बात इमरान खान की, इमरान खान और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 9 मई को ही हिंसा के बाद से 35 नेता इमरान की पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी टूटती नजर आ रही है। 9 मई की हिंसा के बाद शहबाज सरकार पीटीआई नेताओं पर सख्त है और लगातार पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, जिसकी वजह से पीटीआई नेता इमरान का साथ छोड़ रहे हैं। इमरान सरकार में मंत्री रही शिरीन मजारी ने पीटीआई छोड़ दी है। शिरीन मजारी को 9 मई के बाद 4 बार गिरफ्तार किया गया था। शिरीन मजारी ने न सिर्फ इमरान खान की पार्टी छोड़ी, बल्कि अब वो 9 मई की हिंसा का विरोध भी कर रही है। अब तक कुल 35 नेताओं ने पीटीआई को अलविदा कह दिया है। इमरान समर्थक मशहूर फैशन डिजाइनर खदीजा शाह को भी लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। जिन फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में पुलिस से भागते तस्वीर वायरल हुई थी, जो शहबाज सरकार पर खुलकर हमले बोलते थे, वो भी आजकल स्क्रीन से गायब हैं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री शाह महबूब कुरैशी समेत पीटीआई के 15 नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। Z News.